स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा नए कानून से दूर होगी किसानों की परेशानी। कृषि कानूनों के खिलाफ में किसानों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी, दिल्ली हरियाणा सीमा पर प्रतिदिन होगी बैठकें। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, कोविड टेस्ट रेट 1200 से घटाकर 800 रुपए की। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों और किसानों के प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। यह मन की बात कार्यक्रम का 71वां संस्करण हुआ। मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देशों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कृषि कानूनों का भी जिक्र किया है। इससे पहले कार्यक्रम के संबंध में शनिवार देर रात पीएम ने ट्वीट किया। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किया जाएगा। मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देशों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कृषि कानूनों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इससे किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं। काफी विचार विमर्श के बाद में भारतीय संसद ने कृषि कानून को ठोस रूप में दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ में किसानों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। दिल्ली में किसानों के आक्रोश के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शनिवार शाम को किसानों के प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। शाह की अपील पर सिंधु सीमा पर भारतीय किसान यूनियन की पंजाब इकाई के अध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक शर्त पर जल्दी मिलने का आह्वान किया है, यह अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि शाह को बिना किसी शर्त के खुले दिल से बातचीत की पेशकश करनी चाहिए। हम अपनी प्रतिक्रिया तय करने के लिए कल सुबह बैठक करेंगे। इस बीच किसानों ने फैसला किया है कि वह गृह मंत्री शाह की अपील के मद्देनजर सीमा पर बैठक करेंगे। हालांकि किसान विरोध प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। यह भी तय किया गया है कि रणनीति पर चर्चा करने के लिए किसान रोजाना सुबह 11 बजे मिलेंगे। और अब खबर राजस्थान से, जहां पे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कोविड टेस्ट का रेट कम करने का फैसला लिया है। गहलोत ने कोविड टेस्ट का रेट 1200 की बजाय 800 रुपए तय कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शनिवार को रिव्यू मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में सरकार जनता को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है। बस जरूरत है कि जनता भी सरकार का साथ दे, जो गाइडलाइन बना रखी है उसकी पालना करे। कोरोना में लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सरकार लगातार टेस्ट दरें भी कम कर रही है। कोरोना की टेस्ट की जो दरें हैं उसमें सरकार समय समय पर कटौती करती आ रही है। उन्होंने कहा कि जो जांच पहले बहुत महंगी थी उसे आम आदमी की रेंज से मिलते हुए 1200 कर दिया था, लेकिन अब इसे और भी कम करते हुए 800 रुपये कर दिया गया है। तो वहीं हजारों बीघा जमीन को सिंचित करने वाली राजस्थान कैनाल के नाम से मशहूर नहर अब बूढ़ी हो चली है। हजारों टन कचरा जमा होने से नहर की पानी की लेकर क्षमता कम होती जा रही है, जिसका हर्जाना किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह नहर 50 साल से भी पुरानी है, जिस पर निर्माण के बाद में कोई काम नहीं हुआ है। साइट की बाउंड्री वॉल कई स्थानों से टूट चुकी है। इस नहर की पानी की लाने की क्षमता 2000 क्यूरेस की है, जिसमें 500 एक्यूरेस का पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है, क्योंकि पुलों के नीचे की बुजुर्गों में दरार पड़ चुकी है। गांव में बने पुल की दीवार भी टूट चुकी है, जिससे यह हर दिन कमज़ोर होती जा रही है और जिससे कि टूटने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। गांव की इतनी तबाही होगी जिसका अंदाज़ा भी लगना मुश्किल है। ग्रामीणों ने कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से नहर की सुध लेने को कहा, लेकिन जवाब में बजट का बहाना ही सुनाई दिया। अब किसानों की मांग है कि राज कैनाल को दुरुस्तीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे नहर के पानी लेने की क्षमता और क्षमता बढ़े तथा किसानों व खेतों को पूरा पानी मिले। अभी हमारे साथ हैं एक जागरूक युवा विनोद कुमार जी जाखड़। हम उनसे जानना चाहेंगे कि नहर में ये जो पुल टूटा हुआ है, ये पहले कितने साल पहले बना था? मेरे देखने में तो
मैंने कभी देखा नहीं कि कोई सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने आके यहाँ शुद्ध ली हो। हालात देखने लायक है, बिल्कुल नहर के पास में ही हमारे रामसरा जाखड़ान और सिद्धू वाला गांव, लालपुरा सिखान गांव, तीन एलएलपी, ये सारे बिल्कुल नहर से सटे गांव हैं और कभी भी नहर ये टूट सकती है और भारी जनमाल का नुकसान हो सकता है। और अनेकों बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करवाया है, उन्होंने आज तक शुद्ध नहीं ली, न जाने क्या बात हुई। और फिर से हम प्रयास करते हैं, हम आशा उम्मीद करते हैं सिंचाई विभाग से कि आएँ और इस नहर की हालात देखें, इसकी साफ सफाई करवाएं, इसमें टाली की जड़ें हैं, मिट्टी से पूरी रुकी पड़ी है नहर। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि ये मेरी बात पहुंचे उच्च अधिकारियों तक और इसका जल्द से जल्द निवारण हो। धन्यवाद। तो ये इतने दिनों से ये नहर आज से नहीं है, करीबन ये जो करीबन 50 साल से ज़्यादा इस नहर को यहाँ से बहते हुए हो गए हैं, तो क्या उसके बाद इसकी कोई सफाई की व्यवस्था सिंचाई विभाग ने नहीं की अभी तक? मैंने तो आज तक नहीं देखा और नहीं सुना, तो अभी आपके सामने हालात तो आप हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि ये देखिए पुल की जर्जर हालत है। यहाँ पर पहले बताया गया है कि कोई भी यहाँ पर एक दिन एक ट्रैक्टर किसान कृषि के लिए जा रहा था, तभी वो ट्रैक्टर भी गिरने वाला हो चुका था। गनीमत ये रही कि उस समय नहर खाली थी। इस नहर की अक्षमता मैं आपको बता दूँ 2000 क्यूसिक है, जिसमें से 1700 क्यूसिक पानी इसमें हमेशा दिन रात चलता रहता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी भारी संख्या में इसमें जो पानी का बहाव क्षेत्र है उसके हिसाब से जो पुल जर्जर हो चुका है उससे कभी भी यहाँ पर कोई भयानक हादसा हो सकता है। और अब खबर सूरतगढ़ से, जहाँ पे आज 2 दिवसीय असुर पालन शिविर का समापन हुआ। यह आयोजन पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जी आर मटोरिया, उप निरीक्षक कृषि एवं पदेन परियोजना निरीक्षक श्रीगंगानगर रहे, जिन्होंने आए हुए पशुपालकों को आत्म योजना के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर मरोतिया ने फैसले से बच्चे अवशेष को न जलाकर उस पे कोपोस्ट तैयार कर भूमि से मिलान के बारे में बताया। प्रशिक्षण शिविर में सूरतगढ़ केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार बैरवाल ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं दूसरे दिन शिविर में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर शैलेंद्र कुमार, द्वितीय पर जगजीत सिंह तथा तृतीय स्थान पर विकास जाखड़ रहे। प्रशिक्षण शिविर के अंत में सभी पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बांटे गए। इस शिविर में कुल 40 पशुपालकों ने भाग लिया। और अब खबर चुरू के सरदार शहर से, जहां पे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से कई मांगों को लेकर शहर के सभी पेट्रोल पंप को अनिश्चितकाल बंद कर दिया गया है। पेट्रोल एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि 9 नवंबर 2020 को खाद्य सचिव के आदेश पर बायोडीजल के अनिर्धारित रिटेल आउटलेट को सीज कर दिया है। 24 नवंबर 2020 को बायोफ्यूल प्राधिकरण का पत्र व 26 नवंबर 2020 को अतिरिक्त पुलिस सचिव के की ओर से प्रदान किए गए थे। निर्देशों की अनुपालना नहीं होने के विरोध में सरदार शहर के पंप बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 78 अभ्यावेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई करना तो दूर, बल्कि उच्च अधिकारियों के आदेशों की अनुपालना तक नहीं हुई है। इसी के चलते पेट्रोल एसोसिएशन में रोष व्याप्त है। हमारी तीन मांगे हैं। मांग ये है कि सर्वप्रथम ये है कि सरदार से तहसील में सर्वाधिक अवैध तस्करी के माध्यम से डीजल आता है, हर ढाबे पे डीजल बिकता है, हर घर में डीजल बिकता है। प्रशासन के द्वारा दो आदेश, सर्वप्रथम पहला आदेश जारी किया गया 18/8/2020 को, 19/8/2020 को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया तो उनके द्वारा 9/11/2020 को जिला कलेक्टर को डायरेक्शन दिए गए, उससे पहले 12/10/2020 को एक अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने डायरेक्शन दी, लेकिन किसी की भी कोई पालना नहीं की गई। दूसरा, सरदार शहर में सर्वाधिक बायोफ्यूल के अनाधिकृत पंप चलते हैं, जिनकी संख्या 5 है, जिनके द्वारा कोई GST का संदाय नहीं किया जाता, खुलेआम चोरी से बेचे जाता है, जिनकी कोई मान्यता नहीं, कोई कुछ नहीं, और उनको द्वारा हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसको 23/11/2020 को समय पूर्ण हो जाने के बाद में जिला प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में लीपापोती करने में लगा हुआ है।
हमारा विरोध इन सब बिंदुओं को लेकर हमने ये बंद रखा है। कब तक बंद रहेगा? अनिश्चितकालीन, जब हमारी आजीविका से जब समझौता नहीं है और प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा तो हमारे पास मजबूरी और क्या है। आज 14 पेट्रोल पंप है, 14 पंप बंद है। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी, मैं विधि सलाहकार राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। और अब खबर अलवर के नारायणपुर कस्बे से, जहां पे मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत प्रांगण में सर्व समाज के लोगों ने शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फूले की 130वीं पुण्यतिथि हर्षोल्लास के साथ में मनाई। कार्यक्रम के प्रारंभ में महात्मा ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले की तस्वीर पर माला पहनाकर एवं पुष्प अर्पित कर पुण्यतिथि को याद किया गया। इस अवसर पर सैनी समाज अध्यक्ष भागीरथ प्रसाद सैनी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा की अकल जगाते हुए हर वर्ग विशेष जाति के ऊपर शिक्षा को उठाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जिनको आज पुण्य पुष्प अर्पित कर याद किया जा रहा है। इस मौके पर पंच सहित सर्व समाज के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखने को मिली। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पे शनिवार दोपहर उड़सर गांव के पास में दो बाइक की भिड़ंत हो जाने से बाइक में सवार तीन जने घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस 108 के पायलट धर्मवीर कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाए, जहां पे चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद में गंभीर रूप से घायल हो जाने से एक जने को चूरू रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार वार्ड 6 निवासी मनीष 26 साल पुत्र मगाराम जाट व उनकी पत्नी मैं 23 कोहिना से बाइक से सवार होकर सरदार शहर आ रहे थे कि उड़सर गांव के पास में सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई, जिनके कारण मनीष मैं व फागा निवासी गोपाल घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के कारण गोपाल को चूरू रेफर कर दिया गया। गोपाल बाइक में सवार होकर सरदार शहर से अपने गांव फोगा जा रहा था। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां पे राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना के संचालन की जिम्मेदारी कुचामन एवं पदबरसर के लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा नगर पालिका की सहभागिता से निभाई जा रही है। यहां समय समय पर लोगों से जरूरतमंद को निःशुल्क भोजन करवाने का नेक कार्य किया करते हैं। इसी क्रम में कुचामन सिटी की इंदिरा रसोई में पत्रकार विजय पारिक ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ जरूरतमंद को भोजन करवाने का सेवा कार्य कर मनाई। इस नेक कार्य के लिए विजय पारिक एवं उनके भाई सोनू पारिक को दुपट्टा पहनाकर एवं अभिनंदन पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी गई। लॉयन राम काबरा ने पारिक परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिकता के इस युग में लोगों को फिजूल खर्ची कर वैवाहिक वर्षगांठ मनाने की होड़ लगी हुई है। वहीं आज जरूरतमंदों के लिए सेवा कार्य कर जिस अनूठे अंदाज में सादगी से वैवाहिक वर्षगांठ मनाई जा रही है, विजय पारिक ने कहा कि इस तरीके से कार्य में सहयोग करने से दिल को सुकून मिलता है एवं अपने जीवन में महत्वपूर्ण दिनों की खुशियां भी कई गुना बढ़ जाती है। इसकी वजह यही है कि यहाँ के भामोसों का इस रसोई के प्रति विश्वास है कि लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा नगर पालिका कुचामन सिटी की सहभागिता से संचालित की जा रही है। इसमें समय समय पर जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। यहाँ के लोगों को किसी की शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो या किसी के अपने पुण्य स्मृति हो, अपने माता पिता की या परिजनों की पुण्य स्मृति हो, उस पर यहाँ पे लोग समय समय पर भोजन करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इस रसोई में शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों को घर जैसा, घर के स्वाद जैसा खाना मिले, इसके लिए यहाँ के हमारे प्रभारी रचित जी बहुत प्रशंसक ध्यान दे रहे हैं इसका। जैसे इसी क्रम में आज विजय जी पारिक राज पत्रकार है, यहाँ के उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह यहाँ पे जरूरतमंदों को भोजन कराने का नेक कार्य कर मनाई। इसके लिए क्लब परिवार उनका आभार व्यक्त करते हैं। इससे निश्चित रूप से दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। आजकल इस आधुनिक युग में लोग फिजूल खर्ची कर अपनी शादी की सालगिरह हो चाहे वर्ष जन्मदिन वो मनाते हैं, इसके बजाय आज कई लोग इसमें यहाँ पे खाना खिला के सादगी से अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन मनाते हैं, उससे अन्य लोग प्रेरित होंगे। इससे एक जरूरतमंदों को भोजन कराना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।